जनपद जालौन के माधवगढ़ में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड माधवगढ़ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अंगद यादव को ज्ञापन देकर अन्ना मवेशियों को गौशाला में बंद करने की मांग की। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि अन्ना मवेशी खुले में विचरण करने से सड़क दुर्घटनाओं का अहम कारण बने हुए हैं, जबकि वर्तमान में फैली लंपी वायरस बीमारी से कई गाय ग्रसित है, लेकिन उपचार के लिए जिम्मेदार एवं पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों द्वारा उपचार नहीं किया जा रहा। नगर एवं क्षेत्र में गौशालाओं की स्थिति बद से बदतर है, जिस कारण गायों को गौशाला में नहीं रख सकते। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि अन्ना मवेशियों को गौशाला में बंद नहीं किया गया तो आगे वो आंदोलन को बाध्य होंगे। जनपद जालौन से संवाददाता वेद प्रकाश की रिपोर्ट। किस तरह से प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जी, क्या विषय है आपका, किस संबंध में आप यहाँ तहसील पे ज्ञापन देने आए? आवारा गायों के विषय में और रोडों पे खड़ी रहती है, लंपी वायरस की बीमारी फैल रही है और तमाम सारे एक्सीडेंट होते हैं सुबह से शाम तक, कोई गौशाला की व्यवस्था समुचित नहीं चल रही है। क्या इस विषय में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, क्या क्या संबंध रखता है? नहीं, आज ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय को।